By the way, gentlemen, कल अगर कोई तुम्हारा इतिहास लिखेगा तो उसके दो भाग होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 27 दिसंबर को रिलीज हुई आनवी शिनरान की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही दोस्तों बताएंगे इस फिल्म को इंडिया रोडवाइज में कितने स्क्रीन मिले हैं और इस फिल्म ने अभी तक टोटल इंडिया रोडवाइज से कितने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किए हैं। तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे यह फिल्म हिट हुई या फ्लॉप, इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आप अगर रक्षित शेट्टी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि एक लाइक से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। अगर बात की जाए इस फिल्म की डायरेक्टर की तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सचिन रवि। फिल्म के प्रोड्यूसर थे HK प्रकाश। मेन स्टार कास्ट में देखेंगे रक्षित शेट्टी, शानवे श्रीवास्तव। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की लेखक की तो इस फिल्म को लिखा है रक्षित शेट्टी खुद। म्यूजिक दिया है राजचंद्रा। इस फिल्म की रनिंग टाइम थी लगभग 186 मिनट जो कि काफ़ी लंबी है। अगर बात की जाए इस फिल्म की रिलीज डेट की दोस्तों आपको बताते चलें यह फिल्म कनाडा वर्जन में 27 दिसंबर को रिलीज हुई थी। वहीं बात की जाए तेलुगू की तो इस फिल्म को तेलुगू में रिलीज किया गया था 1 जनवरी को। और बात की जाए तमिल और मलयालम में तो दोस्तों आपको बताते चलें इस फिल्म को तमिल और मलयालम में 3 जनवरी को रिलीज किया गया था एक साथ। वहीं बात की जाए हिंदी की तो यह फिल्म हिंदी में रिलीज हो रही है 17 जनवरी को। दोस्तों अब बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उससे पहले जान लेते हैं जब यह फिल्म कनाडा वर्जन में रिलीज हुई थी 27 दिसंबर को तो इस फिल्म को कितना टोटल स्क्रीन मिले थे इंडिया और वर्ल्ड वाइज। अगर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीनिंग की दोस्तों आपको बताते चलें इस फिल्म को इंडिया में स्क्रीन मिले थे लगभग 1200 ही। ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज में इस फिल्म को स्क्रीन मिले थे लगभग 1000। टोटल इस फिल्म के स्क्रीन होते हैं लगभग 2200। अगर बात की जाए इस फिल्म की बजट की दोस्तों आपको बताते चलें यह फिल्म मूल रूप से कनाडा वर्जन की है और इस फिल्म की टोटल कनाडा वर्जन की बजट होती है लगभग 40 क्रोर प्लस। बात की जाए इस फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस यानी कि अपने राइट्स ऑलरेडी इस फिल्म ने कितना इकट्ठे किए दोस्तों आपको बताते चलें इस फिल्म के राइट्स काफ़ी ज़बरदस्त बिके थे। इस फिल्म की सनराइज बिके थे लगभग 30 करोड़ में, डिजिटल राइट्स बिके थे 20 करोड़ में। बात की जाए म्यूजिक राइट्स की तो इस फिल्म की म्यूजिक राइट्स बिके थे 15 करोड़ में। टोटल इस फिल्म ने ऑलरेडी रिलीज पहले इकट्ठे कर लिए थे लगभग 65 करोड़। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दोस्तों आपको बताते चलें इस फिल्म ने फर्स्ट डे इंडिया में कलेक्शन किया था 12 करोड़ 10 लाख का। ग्रॉस कमाया था लगभग 2 करोड़ 40 लाख का। बात की जाए दूसरे दिन थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था 10 करोड़ 15 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1 करोड़ 90 लाख। बात की जाए तीसरे दिन संडे होने के कारण इस फिल्म में ज़बरदस्त क्रेज दिखा और पब्लिक को द्वारा काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिली थी। इस फिल्म का भरपूर लाभ मिला। दोस्तों इस फिल्म की माउथ पब्लिसिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी इसीलिए इस फिल्म में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था 14 करोड़ 90 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 2 करोड़ 75 लाख। दोस्तों बात की जाए चौथे दिन यानी कि सोमवार को इस फिल्म में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। चौथे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया 9 करोड़ 20 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 2 करोड़ के आसपास। दोस्तों पहले वीक में इस फिल्म ने इंडिया से कलेक्शन किया था लगभग 68 करोड़ 65 लाख का। वहीं ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज से इकट्ठे किया लगभग 25 करोड़ 30 लाख का। दोस्तों पहले वीक में इस फिल्म ने इंडिया वर्ल्ड वाइज से इकट्ठे किए थे लगभग 92 करोड़ 95 लाख। बात की जाए दूसरे वीक के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, दूसरे वीक के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होते हैं लगभग 3 करोड़ 40 लाख। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1 करोड़। बात की जाए दूसरे दिन थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। दूसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था 4 करोड़ 20 लाख का। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1 करोड़ 80 लाख। बात की जाए तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ के आसपास। वहीं ग्रॉस कमाया था लगभग 1 करोड़ 20 लाख। दोस्तों इस फिल्म ने इकट्ठे किया लगभग 118 करोड़ 80 लाख का। दोस्तों ऑलरेडी 3 फिल्में रिलीज होने के कारण रजनीकांत, महेश बाबू और अल्लू अर्जुन की, इसलिए इस फिल्म की स्क्रीन काफ़ी कम कर दी गई। लेकिन फिलहाल इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन अभी भी बरकरार। अगर बात की जाए इस फिल्म के 17वें दिन तो इस फिल्म ने 17वें दिन इंडिया में कलेक्शन किया है लगभग 60 लाख के आसपास। जो ग्रॉस यानी कि वर्ल्ड वाइज इस फिल्म के कलेक्शन होते हैं लगभग 10 लाख। दोस्तों इस फिल्म की टोटल इंडिया वर्ल्ड वाइज कलेक्शन होते हैं लगभग 80 लाख का। दोस्तों क्या लगता है ये फिल्म कितना और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, जो भी वो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ये फिल्म का जो कलेक्शन आप तक पहुँचाए हैं ये फिल्म का सिर्फ कनाडा वर्जन की, बाकी वर्जन का इसका टोटल अभी दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए।